फैम लेकिन व्यूवर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पास्तो बोनारा। इस डिश का जो सा नाम है वो मैंने खुद रखा है। सबसे पहले आप स्टेप नंबर वन, आप चिकन जो सा वो मैं मैरिनेट करूंगी। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, एक चम्मच जो सा वो मैंने सिरका लिया है, एक चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, हाफ चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च लूंगी, एक चम्मच जो है मैंने लहसुन पेस्ट लिया है, लाल मिर्च पाउडर मैंने हाफ चम्मच लिया है, नमक जो है वो मैंने एक चम्मच लिया है। अब इसे मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी एक चम्मच के करीब, जो मैंने नमक दिया था वो डाल दिया इसमें मैंने। अब मैं जो सा लहसुन पेस्ट है वो डाल दूंगी इसमें सारा अपना। लाल मिर्च का जो सा पाउडर है वो डाल दूंगी इसमें, सिरका डालूंगी, सोया सॉस डालूंगी, काली मिर्च पाउडर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। चिकन जो सा वो अच्छे से मिक्स हो गया मेरा। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसे मैं फ्राई कर लूंगी। पैटी जो सी है इसमें पास्ता और जो सी मैक्रोनी है, एक कप मैंने पास्ते का लिया है, दो किस्म के पास्ते हैं इसमें और एक कप ही मैंने जो सा वो मैक्रोनी का लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। प्याज जो सी है वो मैंने दो दर्द लिए हैं, इस तरह से लंबे काट लिए हैं। नमक जो सा वो मैंने एक चम्मच लिया है। शिमला मिर्च जो सी है वो मैंने दो दर्द ली थी, इस तरह से बड़े क्यूब्स में काट ली है। सिरका जो सा दो चम्मच लिया है। सोया सॉस जो सी है वो एक चम्मच ली है मैंने। काली मिर्च हाफ चम्मच लिया है मैंने पिसा हुआ। लहसुन जो सा वो मैंने डेढ़ चम्मच लिया है। पेस्ट हरी मिर्च का पेस्ट जो सा वो मैंने दो चम्मच लिया है। टमाटर जो सा वो मैंने दो अदद लिए हैं और इसे क्यूब्स में काट लिया है। ऑयल जो सा वो मैं हाफ कप यूज करूंगी। मायोनीज यानी कि डिप सॉस जो सा वो मैं आपको पहले बनानी सिखा चुकी हूँ, ये भी मैं इसमें शामिल करूंगी। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी, हाफ कप जो सा मैंने लिया था, फिर इस तरह से फैला लूंगी, गर्म होने दूंगी। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल कर दूंगी, इसे अच्छे से भून लूंगी। अच्छा बंद करूंगी इसका मैं। लहसुन जो सा वो मेरा कच्चापन उसका दूर हो चुका है, मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी, प्याज शामिल कर दूंगी, टमाटर शामिल कर दूंगी, इसे मिक्स करूंगी अच्छे से, भून लूंगी इसे। इनको मैंने हिला लिया है, मैं इसमें नमक शामिल कर दिया, हरी मिर्चों का पेस्ट जो था वो शामिल करूंगी अब इसमें मैं। चिकन क्यूब जो होती है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ, पहले बताना आपको भूल गई थी, अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बिल्ची के साथ मैं इसे काली मिर्च शामिल कर दूंगी, इसे भी मिक्स कर लूंगी अच्छे से इन सब्जियों में। सब्जियों को मैं अच्छे से भून लूंगी। सब्जियां जो होती है वो मेरी भून चुकी है, इनका कच्चापन दूर हो गया। मैं इसमें सिरका डालूंगी, सोया सॉस डालूंगी इसके साथ ही, अब इनको मजीद भून लूंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। मेरी गल चुकी है, मैं इसमें पास्ता और मैक्रोनी जो है वो डाल दूंगी, मैं इसे मिक्स कर लूंगी।
मैंने मिक्स कर दी है। अब मैं इसमें मायनीज यानी कि डिप सॉस डालूंगी। तो मेरी जो सी मायनीज थी वो मैं इसमें डालूंगी। तो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको, पास्ते को। डिप सॉस मैंने डाल दी है इसमें, मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। डिश आउट करने से पहले मैं जो हमारा चिकन था वो मैरिनेट हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है उसे। अब मैं उसे फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं चिकन जो है वो मेरा मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे मैदा लगा के फ्राई करूंगी। अब मैं इसे मैदा और अंडा लगा के फ्राई करूंगी। पहले जो चिकन है उसको अंडा लगाऊंगी, मैदा लगाऊंगी, इसी तरह से अब इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। इसी तरह से बाकी सब जो है उनको भी इसी तरह से करूंगी। इसी तरह से आप सब डाल देंगे। और मैं ये तेल रखूंगा अपने, मैं इसे साइड चेंज कर लूंगी। इसी तरह से मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। देख सकते हैं कितना प्यारा चिकन जो है वो फ्राइड हो रहा है। इसी तरह से मैं बाकी सब भी कर लूंगी। इसका इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मैं इसे निकाल लूंगी प्लेट में। इसी तरह से मैं बाकी सब भी आयल निकाल के निकाल लूंगी। फिर ठंडा होने लूंगी। इसी तरह से तब तक मैं बाकी सब भी फ्राई कर लूंगी। आप लुकिंग वाइज भी इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने मजेदार और क्रिस्पी बने हैं। देख सकते हैं चिकन फ्राइड जो है वो मेरा बहुत ही क्रिस्पी सा मजेदार सा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन भी जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी अपने पास्ता बनारा को, अपने पेस्टो बनारा को सर्व करूंगी। चिकन फ्राइड जो है वो भी मैंने साथ में इसमें लगा दिया है और मैंने इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। आप देख सकते हैं ये कितनी यम्मी और स्पाइसी लग रही है और खाने में भी ये यकीन करें बहुत ही मजेदार है। अगर आपको मेरा पेस्टो बनाना अच्छा लगा तो प्लीज इसे ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तय्यबा इन द किचन। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।